अघोर निंदमा जय मुखे उथारियो, अघोर निंदमा जय मुखे उथारियो, नाम जो अमृत जय मुखे पियारियो, नाम जो अमृत जय मुखे पियारियो, संसार सागर पार करायो, संसार सागर पार करायो। कभी रोशनी में आंदो ऊंध है माँ, कभी रोशनी में आंदो, गुम थो खिन में मुझो मन मांदो, गुम थो खिन में मुझो मन मांदो, प्रभु असा मुखे समूरो बांदो, प्रभु असा मुखे समूरो बांदो। अजब नजारा जय आहिन दिखारिया, अजब नजारा जय आहिन दिखारिया, सोना सबक जय आहिन सिखारिया, सोना सबक जय आहिन सिखारिया, अंदर आहिन दियरा बारिया, अंदर आहिन दियरा बारिया।
देव तोता वन्या बलहार, गुरुदेव तोता वन्या बलहार, बख्शीश दिनी तो सचो प्यार, बख्शीश दिनी तो सचो प्यार, अंजलि अखे कने ना विसार, अंजलि अखे कने ना विसार, अघोर निंदमा जय मुखे उथार्यो, अघोर निंदमा जय मुखे उथार्यो, नाम जो अमृत जय मुखे प्यार्यो, नाम जो अमृत जय मुखे प्यार्यो, संसार सागर पार करायो, संसार सागर पार करायो, सबका सहारा दादा, भक्तों का दुलारा दादा, भक्तों का दुलारा दादा, तू प्यार ही प्यार दादा, तू प्यार ही प्यार दादा, तू अपरंपार दादा, तू अपरंपार दादा, आए हैं तेरे द्वार पे
प्राणों के आधार दादा, मेरी प्राणों के आधार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, दादा श्याम। हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे दादा श्याम पाण करे थो साजन साई संत जना के सारे काम, राक्षस रावण मारण खातिर जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी भगवान अची थियो तिन बिसराम, संत तु काकी पैज राखी पाण प्रभु अडिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी दिन रात तु गाए इक राम नाम, हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध मोह माया जो अटक्यो सो मूर्ख अंधो बेकाम, नूरी गोबिंद गाए मनाए जीवन में जप राम नाम, जन्म जनाम बिटक्यो आई उतरी नाहीं
श्रीमद् भगवद् गीता अध्यास 12 श्लोक 13 श्रीमद् भगवद् गीता अध्यास 12 श्लोक 13 वैर भाव खां जो रहे सो परे आई सबने जो मित्र अभिमान ममता बिना किम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी आई सुख में आई दुख में आहे जो समान यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जा रे चिंता खुशी खान यारो हसद नाह चाहे न कि क्रोध को सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो चिंता बिना जो करे छो सुधारो फल जी इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो चिंता रहित जो न उमेदू अरे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो शत्रु मित्र ईमान अपमान छज गर्मी आई सुख दुख सबन में समाभाव रखे छो रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले छो धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धवारो वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धवारो वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो ओम तत्सत ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो बारो अध्याय पूरो जो
नूरी ग्रंथ पेज 1219। दर की दासी। तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। क्या करूं मंदिर क्या करूं माला, मैं तो मोहन तेरे प्रेम की प्यासी। क्या करूं खाना क्या करूं पीना, दम दम दयालु मैं तेरी आसी। क्या करूं दुनिया के माल खजीना, चाहता हूँ एक रहम की राशि। नूरी ने माणी इश्क यानी, हर दम सजना तेरे दर की मैं दासी। नूरी ने माणी इश्क यानी, हर दम सजना तेरे दर की मैं दासी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल तारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू भगवंत आनंद दाता, सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति।
मैं तेरे रूबरू
Radhe 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 Krishna Radhe 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 Krishna Radhe Radhe
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हमें गुरुदेव साधु वासवानी जी की पवित्र वाणी से ये शब्द मिले, प्रियतम के चरणों में फना हो जाऊं, शीश देकर नूरी साजन पाऊं, हु एक तू ही तू, हु एक तू ही तू। फना होना है, शीश देना है, जब तक हम फना नहीं होते, अपना सर्वस्व न्योछावर नहीं करते, तब तक हम अपने प्रियतम को पा नहीं सकते। हम में से एक एक को उस परम मंजिल तक पहुंचना है, हम में से एक एक पर इस जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रभु की कृपा जरूर होगी, जब हम भी प्रियतम के चरणों में शीश देकर उन्हें पा लेंगे। अहो भाग्य, तब हमारा भाग्य जागेगा, फिर हम भी वह चमत्कार देखेंगे जो हर जगह पर चमक रहा है, हु एक तू ही तू। मेरे प्रियजनों, हम किसी भी रास्ते से चले, फिर चाहे कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग हो या राजयोग, आखिर वह मंजिल आएगी जब हम अपना शीश देकर साजन को पाएंगे। यह मंजिल बेशक ऊंची है, बेशक मंजिल दूर है, किंतु उस मंजिल पर पहुंचना ही है। अभी तो मंजिल दूर प्यारे, अभी तो मंजिल दूर, मेरी किश्ती पुरानी, तूफान तेज है, पहुंचना है जरूर।
मंजिल दूर प्यारे, अभी तो मंजिल दूर, अभी तो मंजिल दूर प्यारे, अभी तो मंजिल दूर। मेरी किश्ती पुरानी तूफान तेज है, पहुंचना है जरूर। अभी तो मंजिल दूर प्यारे, अभी तो मंजिल दूर। अंजलि को है तेरा सहारा, तुझ बिन दूजा न कोई हमारा। दूर से चमके नूरानी नूर, अभी तो मंजिल दूर, अभी तो मंजिल दूर प्यारे, 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 अभी तो मंजिल दूर। मेरे प्रियजनों, पहुंचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं। इस यात्रा में कई कदम हैं। पहला कदम है जिसे कहते हैं वैराग्य। जैसे हम जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा समय आता है जब हम दुनिया के ऐशो आराम मौज मस्ती से ऊब जाते हैं। कुछ दिन पहले विदेश से एक महिला का मुझे पत्र मिला। अब वह बहुत अमीर है, करोड़पति है, पढ़ी लिखी है और बुद्धिमान है, देखने में सुंदर, रूपवंती, कुलवंती, धनवंती है। उसके पास वो सब कुछ है जो संसार दे सकता, हीरे जवाहरात, बंगले, चौबारे, नौकर चाकर। अब वह लिखती है, एक समय था जब क्लब्स में जाना, होटल्स में जाना, नाच गाना, सिनेमा आदि मुझे अच्छा लगता था। मैं पूरा दिन उस नशे में रहती थी, दूसरी कोई भी बात मुझे याद ही नहीं आती थी। रोज़ अक्सर रात के 2 या 3 बजे शराब पीकर डांस करके घर लौटती थी। दोपहर को दुकानों पर जाती थी, शाम के समय पार्टी में जाती थी। इन बातों में मुझे बहुत मज़ा आता था, किंतु अब ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब यदि मुझे कोई पार्टी के लिए बुलाता है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि प्रभु के चरण कमलों में बैठी रहूँ, दिल ही दिल में अपने प्रभु से मीठी मीठी बातें करूँ। बड़े बड़े लोगों की संगति अब मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं छोटे बच्चों के बीच में रहूं, उनके साथ खेलूं, उन्हें प्रभु की बातें बताऊं और दिल ही दिल में पुकारूं, प्रभु तुम मुझे अपना बनाओ। अब मेरा दिल इन सब बातों से ऊब चुका है। धन्य है यह महिला। काश हमारा मन भी इस प्रकार सांसारिक चीजों से ऊब जाए। तो पहला कदम है वैराग्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान दुनिया के दौर से गुजरता है, कई अनुभव लेता है, मज़ा लेता है, ऐशो आराम का स्वाद चखता है, धन संपत्ति इकट्ठे करता है, मान सम्मान के पीछे भागता है, फिर देखता है कि उसे कुछ नहीं मिला है। वह सोचता है, मैंने खूब मज़ा लिया, किंतु मज़ा तो है सज़ा। धन दौलत से चिंता उठती है, मान सम्मान से बेचैनी आती है, और तब उसे भान होता है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, सारी उम्र व्यर्थ गंवाई, नहीं कि मैंने कोई कमाई। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका मन संसार से ऊब जाता है उसके भीतर सजगता आती है। सजग इंसान एक ही बात की चाहत रखता है, वह कहता है इस जीवन को कैसे सफल करूं, कई वर्ष मैंने व्यर्थ गंवाए हैं, अब बाकी बचा हुआ जीवन तो सफल कर लूं। फिर वह पाप से दूर रहना चाहता है, विकारों से किनारा करने की कोशिश करता है, तृष्णाओं से मुक्त होना चाहता है, इंद्रियों और मन पर काबू रखना चाहता है। अब वह बहुत कोशिश करता है किंतु संस्कार बार बार उस पर हावी हो जाते हैं और उसे इन अंधकार में धकेलते हैं। बेचारा पूरी ईमानदारी से यत्न करता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन वह सफल भी हो जाता है, फिर चौथे दिन कोई ऐसी लहर उठती है जो उसे घसीट कर ले जाती है, उसकी आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं, किंतु वह फिर भी पुकारता है, आ यह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, प्रभु कब तक मेरी दशा ऐसी रहेगी। उसे क्रोध आता है, उस क्रोध को वश में करने की वह बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसे इस बात का भान है कि हर एक प्राणी गुरुदेव की मूरत है, पर क्या करे, पिछले संस्कार उसे घेर लेते हैं, कोई छोटी सी बात भी हो तो वह गुस्से से लाल हो जाता है, कभी कभी हाथ भी उठाता है, फिर पश्चाताप करता है, पुकारता है, मेरे प्रभु यह मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कभी उसे काम वासना का विकार सताता है, कोशिश करता है, दिल में प्रण भी करता है, प्रभु आगे से मैं काम वासना से दूर रहूंगा, अपने मन का पूरा प्रेम तुम्हें दूंगा, रिश्ता का कीड़ा बनकर नहीं रहूंगा। बेचारा एक दो दिन, पांच दिन, आठ दिन स्वयं पर काबू रखता है, फिर एक रात तृष्णा की तेज लहर उठती है और वह बेबस होकर काम वासना में लिप्त हो जाता है। जब उसकी वासना पूरी होती है तो फिर पछताता है, पुकारता है, मेरे प्रभु मैंने तो कितनी कोशिश की किंतु मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह पाठ हम में से एक एक को सीखना है। यह जो गिरने का और उठने का खेल चल रहा है उसमें भी रहम है, उसमें भी कोई राज समाया हुआ है। वह राज यह है कि जीव समझे और जाने कि मैं स्वयं अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता। ऑफ माई सेल्फ आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कई इरादे करता हूँ, कई वादे इकरार करता हूँ, किंतु मैं हूँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभु की कृपा के सिवाय मैं बिल्कुल खोखला हूँ। जब तक मेरे प्रभु तुम मुझ पर कृपा नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऊपर उठने की कोशिश करता हूँ किंतु जिस टहनी पर मैं पैर रखता हूँ वह टहनी टूट जाती है, मुझे खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलती। मेरे प्रभु मैं कहाँ खड़ा रहूँ, मेरी उम्मीद तो एक तुझ में ही है, मेरा आधार तुम हो, मैं सूरदास हूँ, सूरदास की लाठी तुम हो, मेरे प्रियतम मुझे तुम कस कर पकड़ना, तुम्हारे सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। कोशिश की है किंतु बार बार गिरता हूँ, जितना स्वयं पर निर्भर करता हूँ उतना अधिक अंधेरे में गिर जाता हूँ, मेरे प्रभु तुम मुझे कस कर पकड़ लो। प्रभु मुझ में ना है ताकत, ना है शक्ति, ना कोई बल और ना कोई युक्ति, मेरी बाँह पकड़ लो एक बार स्वामी, क्यों न मुझ पर कृपा का रंग लगाते, इस वीरानी में मेरे एक तुम ही हो सहारे, दुनिया नूरी है धोखेबाजी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी क्या हालत होगी,
मैं तो अंधकार में जा गिरूंगा, तुम्हारे सिवाय और कौन जो मुझे सहारा देगा? मेरे प्रभु, तुम क्यों नहीं मुझ पर कृपा का रंग लगाते? मैंने तुम्हें इतना पुकारा है, रो रो कर दिल के दर्द से मैंने तुम्हें बार बार पुकारा है, अगर तुम मुझ पर रंग लगाओगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? यदि एक बार तुम अपनी कृपा का रंग लगाओ तो मैं भी नया हो जाऊं। मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से, 100 बार नहीं बस एक बार, मेरी बांह पकड़ लो एक बार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें रंग लगे इससे पहले यह जरूरी है कि हम साफ हों, जरूरी है कि हम साफ हों। कपड़े को रंगने से पहले उसे ब्लीच करते हैं, साफ करते हैं। जब तक कपड़ा सफेद नहीं हो जाता तब तक उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। हम पर रंग लगे उससे पहले हमें सफेद होना है, साफ होना है। मैन नीड्स टू बी पर्ज्ड ऑफ ऑल डिजायर्स, वी मस्ट बी क्लेंस्ड, वी मस्ट बिकम वाइट एज स्नो। लेकिन मनुष्य स्वयं को साफ नहीं कर सकता, मैं कितनी भी कोशिश करूं स्वयं को साफ नहीं कर सकता। अभी एक टुकड़ा साफ करता हूं तो दूसरे पर मैल लग जाती है। प्रभु की कृपा हमें साफ कर सकती है। आपने देखा होगा बारिश होती है तो एक ही बार में सब पेड़ साफ हो जाते हैं। प्रभु की कृपा की बारिश यदि मुझ पर भी गिरे तो मैं भी साफ हो जाऊंगा। मैं स्वयं को साफ नहीं कर सकता, किंतु एक बात है जो मैं कर सकता हूं, वो है साफ होने के लिए तैयार होना। प्रभु, मैं साफ होने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे साफ करो। लॉर्ड, आई एम विलिंग एंड ईगर टू बी क्लेंस्ड, डू दाउ क्लेंस मी। आई सरेंडर ऑल माई सिंस टू दी, आई सरेंडर ऑल माई सिंस टू दी। मुझ में कई विकार हैं, मेरे पाप अनगिनत हैं, वे पाप और विकार मैं आपके चरणों में रखता हूँ। गुनाहों की पूरी गठरी तुम्हें अर्पण करता हूँ। मुझे माफ करो, मुझे साफ करो, मुझ पर कृपा का रंग लगाओ। मेरे प्रभु, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के दौर से गुजरा हूँ, कई अनुभव मुझे हुए हैं, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब मैं अपने दिल का हाल तुम्हें बताऊंगा। यह दुनिया तो मरुस्थल है, इट इज अ डेजर्ट, इसमें एक तुम ही मेरे अपने हो। ये दुनिया तो है धोखेबाजी, इस दुनिया में न यारों में यारी रही है, न दोस्तों में दोस्ती, न भाइयों में भाईचारी देखा है, न बहनों में भक्ति, हर एक है
मतलब का यार। हर एक को अपना अपना स्वार्थ है, यदि वह मतलब पूरा नहीं हो पाता तो कहते हैं हमारा नाता टूटा, हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। मेरे प्रभु ये सब नाते कच्चे हैं, एक तुम ही सच्चे हो। इस मरुस्थल में एक तुम ही हो, एक तुम ही हो। मेरे प्रियजनों, इस संसार में हम में से कई लोगों को ऐसा अनुभव मिलता है कि जिनके लिए हम जान देते हैं वे भी समय पर हमारा साथ नहीं देते, क्योंकि हर कोई है मतलब का यार। भाग्यवान है वह जो यह पाठ सीखकर दुनिया से मुंह मोड़ता है। बाहरी तौर पर वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, क्योंकि यह दुनिया कर्म भूमि है, यहाँ एक एक को अपना कर्म करना है। किंतु वह दिल में समझता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो अपने मालिक का हूँ। मेरे प्रियजनों, एक शहर में एक सुनार रहता था जिसका नाम था अखो। वह काबिल जौहरी था और अपने हाथों से ऐसे जेवर बनाता कि उनमें निखार आ जाता था। बड़े बड़े लोग उसके पास जेवर बनवाने आते थे। सुनार की एक बोली बहन थी जिसे वह अपने सगे संबंधियों से भी अधिक प्यार करता था। वह उसे कहता, शायद पिछले जन्म का कोई नाता होगा जो तुम इस जन्म में मेरी बहन बनी हो। मेरे मन में हमेशा यही भावना रहती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। एक दिन उसकी बहन उसके दुकान पर कुछ सोना लेकर आती है। अपने भाई से कहती है, भैया इस सोने में से आप मुझे एक सुंदर सा गले का हार बना कर दें। वह बड़ा ही खुश होता है और अपनी बहन से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार तुमने मुझे कोई काम सौंपा है। देखना, मैं तुम्हें ऐसा गले का हार बना कर दूंगा जो शहर की सारी स्त्रियाँ तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगी। सचमुच उस सुनार ने अपनी पूरी कारीगरी से एक बहुत ही खूबसूरत हार बनाया, यहाँ तक कि उसने उस हार में अपना कुछ सोना भी मिला दिया और उससे कुछ बताया नहीं। जब बहन ने हार देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने भाई से कहा, ऐसा सुंदर हार तो केवल कोई महारानी ही पहन सकती है, और आपने मेरे लिए इतना सुंदर हार बनाया है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। जब वह खुशी खुशी घर आती है और सबको अपने भाई की कारीगरी दिखाती है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि सुनार पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हारे दिए हुए सोने में जरूर कुछ मिलावट की होगी। उसने घर वालों को समझाया कि मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन बार बार ऐसी उल्टी सुलटी बातें सुनकर आखिर उसके मन में शंका पैदा होती है और सोचती है, क्या पता मेरे भाई ने कुछ मिलावट की हो। इस संदेह को दूर करने के लिए वह दूसरे सुनार के पास हार ले जाती है और उससे कहती है, मैं यह हार छोड़ कर जा रही हूँ, ज़रा देख कर बताना कि इसमें कितना सोना है और कुछ मिलावट तो नहीं। दूसरे सुनार ने हार देखकर उसे बताया कि सबसे उम्दा सोना है और उसे सोने की तोल भी बताता है। यह सुनते ही वह हैरान रह जाती है, सोचती है कि मैंने तो कम सोना दिया था, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। अपने भाई को बहुत ही दुआएं देती है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बीच वह अपना हार जिस सुनार के पास छोड़ कर गई थी उसका भाई किसी काम से उसे दुकान पर आया था। अचानक उसकी नज़र उस हार पर जा पड़ी
और वह सोचने लगा कि यह हार तो मैंने अपनी बहन को दिया था, फिर इस दुकान पर कैसे पहुंचा। तब उसने सुनार से पूछा। उस सुनार ने कहा कि एक महिला यह हार मेरे पास छोड़ कर गई है, वह जानना चाहती है कि हार में कितना सोना है और उसमें कोई मिलावट तो नहीं। यह शब्द सुनते ही जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा। यह अनुभव उसके लिए काफी था। उसने सोचा कि यह दुनिया कैसी है, जिस बहन पर मैं अपने प्राण कुर्बान करता था उसने मुझ पर इतना बड़ा शक किया, मुझे अब ऐसी दुनिया से कोई संबंध नहीं। आए दुनिया, तेरा दूसरा नाम है बेवफा, बेवफा, बेवफा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमें इस बात का बोध हो जाता है तब हमारा मन दुनिया से ऊब जाता है। फिर इंसान सजग होता है और कहता है अब दुनिया के पीछे और नहीं दौड़ूंगा, अपना हृदय एक सतगुरु को दूंगा, संतों के चरणों को पकड़ूंगा, नाम का अभ्यास करूंगा, दुखी दरिद्रों की सेवा कर एक शुभ दिन प्रभु की कृपा से अपना मानव जन्म सफल करूंगा, सफल करूंगा। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में सब काम हो रहा है, सब काम।